पे दिन में दो बार आ लिए, कल भी आए, एक दिन पहले भी आए नवरात्रों में, आज भी फिर आए हैं। वो आके धमकी दे रहे हैं, एक बदमाश मुझे गाड़ी में घेर के गेट पे से 1 किलोमीटर तक ले भी गया, आगे रास्ते में गाड़ी में टक्कर मार के मारी है जब मैं उतर पाया हूँ गाड़ी में से। अच्छा, तो कौन? तो जानकार नहीं है, बदमाश बता रहे हैं तो जाने के। अच्छा, तो पुलिस को जानकारी मिली है? पुलिस को बुला के जानकारी दी है। पुलिस पुलिस क्या कह रही है? पुलिस मुकदमा लिख रही है इनके खिलाफ, ले रही है हमसे मुकदमा लिख रही है। अच्छा, कार्रवाई कर रही है अपनी। तो पहले आप इनसे मिले हो कभी? किससे नहीं, कभी नहीं मिले। जब घर पर आ रहे हैं जब ही मिल रहे हैं। कल आए, कल मैं नहीं मिला, मैं इनसे पहली बार मिला हूँ आज। आज क्या क्या हुआ? आज इन्होंने आते ही के साथ जो डेली धमकी दे रहे हैं वही धमकी दी इन्होंने आकर के, और मुझे गाड़ी में बैठा के घेर के ले गए। और पुलिस ने गिरफ्तारी भी की है? पुलिस अभी गिरफ्तारी नहीं की है, दो आदमी पकड़ के ले आए हैं यहाँ, दो उनको ले आए हैं और अभी गिरफ्तारी नहीं की है। अभी तीन आदमी इसमें मैन एम ने बात के रहने वाले हैं, तीन आदमी जो इस कांड में। कुल कितने लोग थे इसमें? ये तीन चार लोग थे। तीन चार लोग? हाँ जी। ये थाना इकोटेक 3 को आज एक सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ ग्रामीणों ने खेड़ा चौगानपुर गांव में दो लोगों को पकड़ रखा है। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और दो लोगों को हिरासत में लिया गया। इसमें जो जानकारी की गई है वो ये पता चला है कि विजेंदर और हातम सिंह भाटी, इनका जो है वो प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा है, और विजेंदर ने जो है ये दीपक, ओमपाल और पप्पू, इन तीन लोगों को हातम सिंह के पास भेजा था उस प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट में जो है वो समझौता करने के लिए। इसमें तत्काल प्रभाव से जो है अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। दीपक और इसको ओमपाल को अरेस्ट कर लिया गया है और पप्पू की जो है तलाश की जा रही है। इसमें ये भी प्रकरण निकल करके आया है कि इनके द्वारा जो है वो हातम सिंह जी का अपहरण करने की कोशिश की। इसमें जो है वो संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है और जो भी अन्य नाम और तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।